जय हिंद दोस्तों, मैं आर इंडिया, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AR डिफेंस क्लास में। दोस्तों हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसी जॉब रिलेटेड जानकारी लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि आज एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो आया है जिसमें आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप कैसे सिलेक्शन हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको ऑल इंडिया वैकेंसी रिलेटेड जानकारी मिलती है। दोस्तों आप इंडिया में कहीं भी हो, से भी हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप लोगों को वैकेंसी रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक न्यू वैकेंसी आई है दोस्तों, UPSC NDA फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, 2023 का फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है NDA में, UPSC द्वारा, जो UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, आप कैसे फॉर्म फिलअप उसमें कर सकते हैं, आपकी एज लिमिट क्या चाहिए दोस्तों, इन सभी बातों का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि उन लोग भी फॉर्म फिलअप कर सके दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 22/12/2022 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 22/12/2022 से स्टार्ट हो रहा है और उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 10/1/2023 को रहेगा दोस्तों, 10 जनवरी 2023 तक रहेगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप इंडिया में कहीं से भी हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे दोस्तों। और आपका जो UPSC का एग्ज़ाम होगा NDA का, वो 16/2023 को होगा, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। हमारे कई साथी लोग हमें बोलते हैं कि आप हमें फेक न्यूज़ थोड़ी बताते हैं, कि आप झूठा थोड़ी बताते हैं। तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल के द्वारा आप लोग को कोई भी वीडियो फेक नहीं बताया जाता है, हम आपको रियल न्यूज़ ही बताते हैं। आप लोग पूरा विश्वास हम पर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल और OBC वालों को 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा दोस्तों, जनरल और OBC वाले 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और SC ST कैंडिडेट कोई भी फीस पे नहीं करना पड़ेगा, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यदि 2 जुलाई 2004 के से दोस्तों 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर पोस्ट नेम में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आर्मी विंग में वैकेंसी आई है, एयरफोर्स और नेवल विंग में, दोस्तों तीनों विंग में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है नेशनल डिफेंस अकेडमी के द्वारा। दोस्तों अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो बात करेंगे सबसे पहले आर्मी विंग के बारे में। दोस्तों जो जो कैंडिडेट आर्मी विंग में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो सिंपल 12th पास रहना चाहिए दोस्तों, वो सिंपल 12th पास रहना चाहिए। और जो जो कैंडिडेट एयरफोर्स एंड नेवल विंग में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको दोस्तों 12th पास के साथ साथ आपका सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ्स से रिलेटेड रहना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आप लोग इसमें एक बात क्लियर कर लीजिए, आप 12th पास दोस्तों आर्मी विंग में सिंपल 12th पास लगेगा और एयरफोर्स एंड नेवल विंग में आपका सिंपल 12th पास रहेगा, लेकिन आपका फिजिक्स एंड मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका फिट रहना चाहिए और ओनली अनमैरिड मेल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें नोट में लिखा है, आप लोग खुद देख लीजिए। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ जाकर खुद से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर सेंटर से अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को इसमें, यदि आप लोग सिलेबस के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सिलेबस के बारे में भी बताएंगे या प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बारे में भी बताएंगे दोस्तों, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मैं बताऊंगा दोस्तों, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जिसमें ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर फिजिकल फिटनेस आपका टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा उसमें। तो यदि आप लोग कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं दोस्तों, जवाब देंगे। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर वैकेंसी रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।